हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी संविधान में देखने के बाद पढ़ने के बाद, और 1993 में हम लोग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और उस मुफ्त में इतने सारे रेवड़ी मिल गई। तो ये रेवड़ी को हटाना है, सवर्ण समाज के लोग, अपर क्लास के लोग, 10% के लोग जिसमें सारे पैनल के लोग बैठे रहते हैं, 99%, और जो 1% हमारे लिए होते हैं ना, तो उनको बंद करके रखना पड़ता है। जब तक हमारे पास समानता नहीं होगा, देश कैसे निष्पुरु बन सकता है, हम कैसे निष्पुरु के एक पार्ट बन सकते हैं। तो इमीडिएट भी एक संसाधन है जिससे हमारे और संस्कृत समाज के बच्चे को, आयु में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे को अधिकारों को हासिल करने का एक बहुत बड़ी साजिश मौजूद है। तमाम मीडिया बंधुओं को हमारे अध्ययन स्वरूप बड़े बुद्धिमान समाज सेवी को सबसे पहले अनिल कुमार पटेल का चरण कमल निवंदन, जय भीम, जय जोहार। और कार्यक्रम स्पष्ट है, 100 करोड़ से कार्यक्रम है, अभी 30 तारीख को और 23 तारीख को जो कार्यक्रम होने का सिस्टम हमने किया है। ये कार्यक्रम क्यों जरूरी बनी, सर मैं आपको मौका दूंगा, पूरा पूरा मौका है, आप लोग साथ आप जैसे कहते हैं, लेकिन बताना जरूरी है आप लोग इसको शुरू करें कि ये कार्यक्रम जरूरत क्यों थी। अभी इस दिन 30 तारीख का कार्यक्रम चल रहा था और मेरे ख्याल से 1 या 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो जजमेंट जो निरंतर विलंब पर उठाते आ रहा था कि एससी एसटी के लोग बहुत ज्यादा दिन तक खुश ना हो, इनके ऊपर भी क्रिमिनल लेयर की तैयारी चल रही है, क्योंकि हम लोग के संगठन में जस्टिस भी हैं, एक्टिव भी हैं, नॉन वर्किंग भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, तो इसलिए सूचनाएं आपस में आदान प्रदान हो रही है। इन तमाम बातों को देखा और जो हम लोग का संगठन है तो उसने कहा कि नहीं, ये तो डिवाइड एंड रूल होते आलाव करते रहेंगे और फिर निबंधन करते हैं, बंधन करते हैं कि हम लोग ये करें, गलती कुछ कर सकता हूं, आने में भी आप लोग से गलती होती होगी, घर में भी गलती होती होगी, लेकिन परिवार से इकट्ठे रहते हुए हो सकती है, कार्यक्रम में किसी को रखा को मौका नहीं मिला, लिमिटेड रिसोर्सेस से हम लोग करते हैं, उसमें किसी चीज को कोई परेशानी हो गई। तो कार्यक्रम का मेन मकसद आज का था कि जो पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट जो अनुवादी व्यवस्था के लोगों ने एससी एसटी पे क्रिमिनल लेयर का प्रावधान मतलब स्पष्ट है, ध्यान दीजिए कि जब क्रिमिनल लेयर लगता है तो उस संगठन या उस समाज का सेनापति और सैनिक से अलग करने का कार्य होता है। हमारा सेनापति, मैंने पिछले बार भी बोला था कि गली मोहल्ले में अगर कोई हमारा गौरवी बस्ती है, हम प्रवासी लोग हैं, बाहर से आए होकर के यहाँ पे रोजी रोटी की तलाश में आकर के अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जब कोई गौरवी बस्ती है तो उसमें देखा जाता है कि कौन आदमी पढ़ा लिखा है, जो कुछ लिख पढ़ ले, कौन व्यक्ति संसाधन से परिपूर्ण है, जो सचिवालय या यंत्र संगठन में जा करके हमारी कॉलोनी की विकास की बात कर, अगर गलत कर रहा हूं तो बताइएगा, उसी व्यक्ति को हम लोग अध्यक्ष चुनते हैं, महासचिव चुनते हैं, और कॉलोनी की राशि पर कुछ भी पता नहीं होता है और दिन रात मेहनत करके अपने कॉलोनी को डेवलपमेंट करने का काम करते हैं। मेरा स्पष्ट इससे मत का है कि जब लीडरशिप आपकी खत्म हो जाएगी, जो गिने चुने लोग, मैंने पिछले बार प्रशिक्षण तो में बताया था क्रिमिनल के बारे में, इस बार मैं क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं कर रहा हूँ इंटरव्यू की समाप्ति, लेकिन रूपरेखा बैकग्राउंड मैंने जैसा कि बताया कि आरक्षण एक और इस पर हथकंडे अनेक बना रखा काटने का, और हम लोग नहीं समझ में आता है।
जो हमारे माता है पहले घर में रहते हैं, बच्चे रोज एग्जाम देने जाते हैं, एडमिशन देने के लिए धक्के खाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सारे हथकंडे उपवर्गीकरण मतलब शाखा में शाखा लगा दिया, फ्रॉड रोस्टर, इसके कई सारे हमारे विद्वान वक्ता ने बताया है, कई सारे संगठन के लोग इसको जानते हैं कि बेईमान रोस्टर क्या है, हम कैसे अधिकार हमको आरक्षण होया उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और ये बेईमान रोस्टर से आगे फ्रॉड रोस्टर के जरिए हम लोग के बच्चे को अधिकार को हनन किया जाता है, और उसको क्या करते हैं NFS नॉट फॉर्म सुटेबल, और हिंदी में अगर इसको अगर बताया तो इसमें से कोई जोड़ नहीं, क्या हजारों बच्चे एक एप्लीकेशन एक पद के लिए हजारों के लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या हमारे एक ही बच्चे लोग जोड़ लेंगे, ऐसा हो सकता? तो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से ये काम किया जाता है, और नॉट फॉर्म सुटेबल जैसे बैठक हमारे बीच में हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आम आदमी पार्टी राजेंद्र प्रसाद वैभव साहब आए हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत ताली से स्वागत करें। तो ये हमारी जो प्रतिनिधित्व है उसको नवीन करने का साजिश है, और इस साजिश के लिए ही हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और धीरे धीरे कारवा बढ़ रहा है, हमारे शिक्षा विद परम आदरणीय जो कि लाखों लोगों को विद्वान बनाया होगा सूरज मंडल साहब, प्रोफेसर सूरज मंडल साहब का आगमन हो गया है, इनको जुबानी से खुशियाई करेंगे, और निरंतर इनके को पूर्णों ने ही सवाल सा अपनी जिंदगी भी त्याग दिया हमारी हक और समाज की लड़ाई में। किरवी नियर आप लोग जान चुके हैं कि किरवी नियर भी एक टूल है जिसके थ्रू हमारे जो सुरक्षित लोग हैं बेटर हैं जो संचालक हो सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल अभी कोरोना के पश्चिम एक पे किया, तो जो संसाधन से परिपूर्ण कितने लोग हैं, जब ओबीसी के लोग बिहार के जाति जनगणना में 1% परिपूर्ण निकलते हैं, जो 50,000 रुपए तक कमाने वाले 4.5% हैं, जिस देश की एक स्टेट की आबादी से 34.5% आबादी 200 रुपए कमाता हो, जिस प्रदेश की 300 रुपए 29% कमाता हो, और मात्र 1% जो संसाधन से लैस है, और उसके भी बच्चे को आगे मेरा मानना साफ कि अगर आपके बच्चे बैंककर्मी में कोई अच्छे का पोस्ट पे आ गए एजीएम वगैरह मैनेजर भी, मेरे ख्याल से कि जो मैनेजर हैं वो भी क्लास वन में आ जाते हैं, और जैसे ही क्लास वन में आते हैं तो उनके बच्चे को फिर से मतलब साफ है कि जिनके मुंह में दांत हैं उनके आगे से चना छीन लेंगे, और जिनके मुंह में दांत नहीं है तो उनके आगे चना दे देंगे, मतलब कि हम कहते हैं कि एक और एलिगेशन कर दीजिए हमारे बच्चे आपके बच्चे एक जगह पढ़े और हम असफल हो तो समझ में आता है। अभी मैंने कुछ लोगों को बता रहा था, एक ग्रामीण की बात कहता हूँ मैं, बक्ता की संख्या कम है तो मैंने कुछ आपको बता देता हूँ कि एक गांव की, और जब मैं दुनिया चुका था ये लिए सूर्य सर और बड़े किसान वो चाह रहे थे कि हम अपनी बेटी को अच्छे दहेज दे करके किसी जो आईएएस वगैरह लड़का को शादी करें। मैंने उनको कहा था कि सबसे पहले अपने बच्चे को पटना में संसाधन युक्त रूम ले करके रखिए, नहीं तो कोई आदमी अगर कहेगा इसके पास सारा चीज है तो आपकी बेटी को बहुत ताना मारेगी, खाने से बाकियां ना कहने, इसको तो टीवी चलाने नहीं आता, इसको तो फ्रिज चलाने नहीं आता, इसको तो अन्य संसाधन जो है, अगर एक गांव की महिला अभी अगर स्मार्ट टीवी दे दिया जाए पढ़ी लिखी व्यक्ति को, तो मैं भी समझता हूँ कि रिमोट से वो आपको चैनल ढूंढ के बता रही। तो जब तक हम लोग अफर्मेटिव एक्शन क्या है, जब तक हमारे पास समानता नहीं होगा देश कैसे डिस्ट्रूट
हम कैसे इस गुरु के एक पार्ट बन सकते हैं? तो क्रिमिनियर भी एक संसाधन है जिससे हमारे बहुसंख्यक समाज के बच्चे को, अयोग्य है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे को अधिकारों को हत्या करने का एक बहुत बड़ी साजिश मौजूद है। और सुनियोजित तरीके से जो ऊपर बैठे हैं और हम लोग खूब दर्शन करते हैं, उसी तरह से प्रमोशन में आरक्षण नहीं है। दूसरी दिल्ली में डोमिसाइल की बात भी मैंने लास्ट ईयर मुद्दा किया था कि 1993 से डोमिसाइल। अब मैं इस बात देखें कि मायोपिया जो कि दिनों की हमारे जो करता धंधा में वर्ल्ड को समाहित किया है शिक्षा विभाग ने एक वर्ल्ड दिया मायोपिया दिनों भी, और सचमुच में इन लोग को दिनों भी हो गया है कि गरीबों के ऊपर गिरवी लेने का खंडन करते हैं और जो कुछ न्याय पात्र का बहुत संख्यकों का दल प्रतिनिधित्व है। क्यों हमारे अगर 20-25% की आबादी एससी एसटी की भी है तो लोग मिला करके 2% भी नहीं हमारे मुकाबले हैं, इतने बड़े बड़े आईएएस बने हुए हैं और हम तो कहते हैं कि हम सब मिलकर के 90% के लोग हैं तो क्या एससी एसटी, क्योंकि उसमें भी कॉलेजियम सिस्टम दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है और इसकी वजह से हम लोग के बच्चे जजेस इस तरह से नहीं बन पाते हैं। चिराग बने अंधेरा संविधान पीठ में 7 में से 4 बहुमत और सर्वोच्च और यहाँ पे भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नगण है। ये हमें सब लोग अपने आप में चर्चा करके गांव गली रहता क्या ना, तभी हमारी लड़ाई कुछ प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, नहीं तो हम माननीय विधायक जी माननीय सांसद जी को यहाँ बुला करके 3-4 घंटा बिठा करके रखेंगे और लड़ाई हमारी धीमी पड़ेगी। जिनको जैसे लगता कुछ रोड पे लगे, कुछ गली में लगे, कुछ संसद में लगेंगे, कुछ अपने विधानसभा में लगेंगे, लेकिन लड़ाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। तो मैं 4-5 मिनट के अंदर अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ कि जो सबसे पहले नंबर इसमें एक इंटरव्यू की जो सबसे बड़ी कोड है जिसमें रेलवे वगैरह में समाप्त किया गया है, कई जगह समाप्त किया गया है, कई स्टेट आंध्र प्रदेश में खास करके इंटरव्यू की समाप्ति जो पीसीएस वगैरह होता है यानी कि यूपीएससी से नीचे वाले वो भी आगे बनते हैं आगे चल करके, तो अब आंध्र प्रदेश ने ऐसे अध्यादेश ला करके खत्म कर दिए है। सेम चीज हम लोग का मांग है कि जो इंटरव्यू है मेरे पास जाता है मैं तमाम मीडिया बंधुओं को दे दूंगा, क्योंकि मैं बोल बहुत ज्यादा दिया हूँ और अब हमारे पास सारे वक्ता लोग आ चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि इसको नक्सल में आप लोग को मैं दे भी दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले के प्राचीर से बोला था और गैर राजपत्री राजपत्रित के लिए 100 CED के लिए उन्होंने घोषणा किया था और वो कि जो हम लोग इसमें जो लेते हैं मतलब इंटरव्यू उसको समाप्त करने का काम भी किया था, उसने ये भी बोला कि कौन ऐसा दिमाग के अंदर हम कैमरा फिट कर देते हैं हादिस लगा देते हैं अपनी जिससे हम 15-20 मिनट के इंटरव्यू में ये डाल देते हैं कि ये व्यक्ति आगे आइए समझनेगा तो ये आदमी अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा और उसको 25 में से 10 नंबर लेकर के हटा देते हैं। और वही सवर्ण समाज के लोग अपर क्लास के लोग 10% के लोग जिसमें सारे पैनल के लोग बैठे रहते हैं 99% और जो 1% हमारे लिए होते हैं ना तो उनको मुंह बंद करके रखना पड़ता है, उनको भी लगाता कि हटा न दे। और कई लोग बोलना शुरू किए हैं, मैं इसमें भी एक एग्जाम्पल दूंगा अभी मैंने सुना है। तो इंटरव्यू जो एक हमारे कोड है सरकार जज नहीं कर सकता, हमने 25 साल पढ़ाई किया है, किताब पढ़ा है, 2-2 रिटेन और ये पीटी हमने क्वालिफाई किया है और 10-15 मिनट का टाइम से ज़्यादा नहीं मिलता है। एक जो सरकार लेने वाले पैनल के लोग होते हैं उतना देर में उसको 10-15 नंबर आपने ट्रेनिंग दिया जाए, अगर आप 15 दिन की ट्रेनिंग सबको बिठा के दे दें और उसी से सवाल करें और तब मेरा बच्चा फेल कर जाए तब आप कह सकें कि सही है एससी एसटी ओबीसी के
लोग इस लायक नहीं है, आयुक्ति नहीं दिया जा सकता। एक तो हम लोग की पढ़ाई देर से शुरुआत थी, कमेरे वर्ग के लोग थे, कृषक वर्ग के लोग थे, वो भी एक बाधक है, और उसमें भी बिना संसाधन वाले स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा इसमें कि जो इसमें अभी हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, इनके तारीफ के लिए नहीं कि ऐसे भी कि जो दिल्ली की जो हॉस्पिटल की व्यवस्था या शिक्षण संस्थान की व्यवस्था अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए, बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस वगैरह चलते हैं, इसके लिए हमारे मंत्री महोदय का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए एक बार ताली बजनी चाहिए आप लोग से। तो अधिकांश पदों पे ये सब चीजें और जो सी और डी कैटेगरी है उसको तो खत्म ही करके आउटसोर्स कर दी गई है। एक आउटसोर्स करना भी हम लोग का अधिकारों को हनन करने का एक टूल है, यानी एक लव का अंगूठा काटने के ये सब तरीका है। तो इंटरव्यू की समाप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग से मैं पूछता हूँ, कौन करवाएगा? ये हमारे मीडिया बंधु सिर्फ नहीं, हम सब मिल करके इसको जोरदार तरीके से अगर चाहें तो खत्म किया जा सकता है। मैं एक टेबल मैं आपको दे दूंगा और एक एग्जाम्पल है पीजीआई एमआर का हॉस्पिटल है। 3 मिनट में मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि पीजीआई में चंडीगढ़ में डीएम और एमएससी के लिए एमएससी के लिए इंटरव्यू की होगी, 3 सीट मात्र। अभ्यर्थी उसमें सुबह मिश्रा नाम लेकर के, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऑथेंटिक डाटा के लिए क्या पता कर सकते, सुबह मिश्रा जी का 41.8 मार्क्स था, यानी लगभग मान के चलिए 49, लेकिन हम 49 नहीं कहेंगे क्योंकि पॉइंट का ही वहाँ खेला होता, 0-0 के बाद भी पॉइंट का खेला है, एक ही नंबर पे कई प्रत्याशी भी हमारे रहते हैं और साक्षात्कार में उनको मिलता है 16 मार्क्स और टोटल मार्क्स बनता है 57.8। पीयूष पाठक है 37.3 यानी 37.325, ये उनका मार्क्स लिखित परीक्षा में मिलता है, 18 मार्क्स मिलता है इनको साक्षात्कार में और 55.3 बन जाता है इनको है उनकी टोटल मिला करके। जानवी धर ये भी स्वर्ण समाज से हैं, 39 मार्क्स है साक्षात्कार लिखित परीक्षा में, साक्षात्कार में इनको 16-20 में से, और ये जो मैं कह रहा हूँ 80 में से कितने नंबर में बता रहा हूँ, 80 में से वो 39 और 20 में से 16, ये लिखा भी बन जाता है 55। और हमारे मेधावी छात्र पंकज कुमार, रोल नंबर सही है मेरे पास, पंकज कुमार है, ये 39 नंबर लेके बैठे हैं और इनको बैठ मिलता है 16 नंबर, इनको भी 55.05, यानी 3 पोस्ट की इंटरव्यू हो रही है, तीनों पोस्ट 12 क्लास में चला गया, इनको 55 लाख दिया गया लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरा हमारा है मेरा ही नाम राशि का अनिल कुमार, प्रसन्ना भी है, 6 आदमी है, प्रसन्ना है 36 मार्क्स, उसको भी 16 मार्क्स दिया गया और 52 लाया गया इसको। उसके बाद अनिल कुमार जो सबसे टॉपर इसमें जो साक्षात्कार में सॉरी लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए थे और इनका मार्क्स था 43.15 और इनको इंटरव्यू में ये सुनियोजित तरीके से हमारे टॉपर को 12 नहीं 14 नहीं 16 नहीं इनको मात्र 8 नंबर दे करके और सबसे लोएस्ट में ला दिया गया और मात्र 51 नंबर दे करके इनको खत्म कर दिया गया। तो ये पक्षपात तरीके से ही बाबा साहब बड़े अनुसोची थे, उन्होंने सोच लिया था उसके बाद कि हमारे लोगों के ऊपर हनन होगा क्योंकि वो जेल चुके थे, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी संविधान में देखने के बाद पढ़ने के बाद और 1993 में हम लोग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और उस मुफ्त में इतने सारे रेवड़ी मिल गई। तो ये रेवड़ी को हटाना है, उसके दूसरा एग्जाम्पल है सिविल सेवा परीक्षा।
ये 2020 में बात कर रहा था, ये 1750 मार्क्स की इसमें एग्जाम होती है, सी से 14, 13, 12 ये उनके कोड हैं, उसमें अधिकांश औसत में से कम अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को दिया गया। मात्र जो इनके नंबर थे 34, 25, 25, 26, 33, दूसरे के अंक थे 52, 45 और 57। साक्षात्कार के अंक आप देखेंगे तो 46.9, 73.1 और इसमें भी ब्राह्मण वादियों ने हमारे ओडिशी वादी को ये डाटा है कि साक्षात्कार के अंक के आधार पे अंग्रेजन कैटेगरी को 70 से 71 नंबर आए, .1% बने 70 से 71%, और एससी एसटी ओडिशी वाले को 64 से 65%, एससी एसटी वाले को 59 से 60%। इसमें भी हमारी भागीदारी नगण्य हो गई। तो ऐसे इंटरव्यू की समाप्ति बहुत जरूरी है। और एक छोटा सा मैं अभी एक कोई कार्यक्रम नई दिल्ली के एरिया में बुद्धिजीवी का कार्यक्रम था, काफी सारे ब्यूरो के मंत्री थे, नाम बोलना उचित नहीं होगा, एक सदस्य ओबीसी वर्ग के थे जो यूपीएससी के सिलेक्शन में बैठते हैं। उन्होंने बताया, मन से बताया कि मैं जब पैनल में बैठता हूं तो ये लोग सुनियोजित तरीके से, जैसे ही यादव, पटेल, सुनील, महेंद्र, कुमार, दुनियादारी की जाति पर जाति आती है तो उससे अनाप शनाप के सवाल कर देते हैं, जिसको उसको पता है इसके पास तो ऐसी संसाधन होगी नहीं, इसी जानकारी होगी नहीं, किताब की बात कोई पूछे नहीं है। मैं कहता हूँ जो हमने सवाल लिखा है उसी से आप पूछिए, नकल तो होती नहीं है साहब, ऐसा तो नहीं है कि यूजीसी नीट वाला नकल हो करके पेपर पहले लीक था अलग टॉपर बन गए, वो तो आप ही का देन है ना कि कितना आदमी टॉपर बना दिए। तो यह स्पष्ट है कि हम लोग को इंटरव्यू की समाप्ति जब तक नहीं होगा तब तक हमारा नेतृत्व नहीं बढ़ेगा, और जब नेतृत्व नहीं बढ़ेगा तो हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और वो लोग सुनियोजित तरीके से संसाधन पे कब्जा करके बैठ करके हमारे लोगों को न तो ठेकेदार बनने देंगे, बड़े बड़ेगा छोटे भी नहीं बनने देंगे, पेटी कॉन्ट्रेक्टर भी नहीं देंगे, वो भी अपने लोग बनेंगे न तो कोई अच्छे जगह पे एम्स में भी अगर कोई आदमी एंडो भी लगता है तो वहां भी ऐसे जगह पर रख देगा जहाँ की आपको कोई कुछ नहीं होगा। नर्सिंग और डेंटली एक कोर्स होता है जो प्राइवेट आउटसोर्स किया हुआ, या गार्ड की वहां भी लोग कमाई वही लोग करते हैं और वही लोग सब देख रेख भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना।